नमस्कार। सागर सीट का अगर मुकाबला देखा जाए तो अब दिलचस्प होगा, क्योंकि यह ढोलक परिवार है। एक तरफ जो है जेठ चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है बहू को टिकट मिला है। लेकिन जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं श्रीमती निधि जैन, उनकी जो प्रक्रिया सामने आई है, उन्होंने कहा है कि हमने जो है महापौर की सीट के लिए जो हमने चुनाव लड़ा था उसमें शासन प्रशासन ने ही चुनाव जीता था, नहीं तो मैं ही जीतती। लेकिन कहीं ना कहीं निधि जैन ने क्या कहा है मीडिया से, यह बात सामने आई है। कहीं ना कहीं यह दिलचस्प मुकाबला अब एक ही परिवार में जा पहुंचा है। कहते हैं कि बड़ी और बड़ी के साथ में ढोलक परिवार, यहां पर अब देखना है कि ढोलक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बजेगी या कांग्रेस के पक्ष में बजेगी, यह तो जनता ही जवाब देगी। लेकिन कहीं ना कहीं यह मुकाबला अब जेठ और बहू के बीच में जा पहुंचा है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, आज पत्रकारों से बात करते हुए निधि जैन ने क्या कहा है, आप देखिए तुम तक न्यूज पर यह विशेष रिपोर्ट। मतलब एक डकैती कर दी थी शासन प्रशासन ने, जिस तरह हमारे साथ धोखा हुआ है। दो तीन दिन पहले जो राशि 12 करोड़ की राशि 1400 लोगों को बांट दी गई सामने, और मंत्री जी कह रहे हैं कि जब घर का परसैया हो तो डर काहे को, तुम तो करो वोट, हमारे जो सामने खड़े हैं उनको वोट दो, काहे से जे मर भी जा रहे हैं। इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह के प्रचार गलत भावना से लोगों में लोभ लालच और डर भय, इस तरह का वातावरण निर्मित करके जो उन्होंने चुनाव किया है, और मतदान बूथ से हमारे जो हमारे बूथ एजेंट थे उनको बाहर निकाल के जो फर्जी मतदान किया है, उस सब का अभी प्रकरण न्यायालय में है और हमें उसमें भी जीत मिलेगी और इसमें भी जीत मिलेगी। 100% पास हुआ और उन्होंने यहाँ बुंदेलखंड में चार महिलाओं को 50% आरक्षण हुआ है और चार महिलाओं को सीट दे दी विधानसभा की, इतना बड़ा, और हम लोग चारों महिलाएं जीत के आने वाली हैं। ये बहुत ही सकारात्मक दिशा की ओर हम जा रहे हैं। चुनाव होता है तो वो तो चुनौतियां होती ही हैं, हर पार्टी के लिए चुनौती होती है, सामने वाली पार्टी के लिए भी, और अगर थर्ड फ्रंट भी आता है, सबके लिए चुनौती का ही विषय होता है। हम अपने कार्यों से, अपने विचारों से समाज को, अपने शहर को किस तरह प्रभावित कर पाते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। इस बार पार्टी ने जो मौका दिया है, कितना खड़े उतरेंगी आप? पूर्व में भी जनता ने आपको विश्वास दिलाया था, पूर्व में आप सभी सामने देख रहे थे किस तरह, मतलब एक डकैती कर दी थी शासन प्रशासन ने, जिस तरह हमारे साथ धोखा हुआ है। दो तीन दिन पहले जो राशि 12 करोड़ की राशि 1400 लोगों को बांट दी गई सामने, और मंत्री जी कह रहे हैं कि जब घर का परसैया हो तो डर काहे को, तुम तो करो वोट, हमारे जो सामने खड़े हैं उनको वोट दो, काहे से जे मर भी जा रहे हैं। इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह के प्रचार गलत भावना से लोगों में लोभ लालच और डर भय, इस तरह का वातावरण निर्मित करके जो उन्होंने चुनाव किया है, और मतदान बूथ से हमारे जो हमारे बूथ एजेंट थे उनको बाहर निकाल के जो फर्जी मतदान किया है, उस सब का अभी प्रकरण न्यायालय में है और हमें उसमें भी जीत मिलेगी और इसमें भी जीत।